ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਕਿੱਲਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਕ ਵੇਕ ਕਾਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਸਲਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੈਨ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਜਸਟ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਥੇ ਜਬ ਮੈਂ ਲੈਸਟਰ ਸੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਮੂਵ ਹੁਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਦ ਸਨੋ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 5 to 6 ਇੰਚਸ ਔਨ ਦ ਰੋਡ। ਸਬਵੇ ਮੇਂ ਕਾਮ ਕਰੇਂ, ਡੋਮੀਨੋਜ਼, ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਜੋ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਇੱਧਰ ਹੈ। हाय गाइस, दिस इज़ रेडी बॉय। मैं DMU के पास से जा रहा था और एक भाई, एक स्टूडेंट, वो अपने कुछ फ्रेंड्स से बात कर रहा था जॉब्स के बारे में और जनरल लाइफ UK के बारे में। मैं तो रुक गया और भाई ने टाइम दिया मुझे, तो मैं मिलवाता हूँ जल्दी से। हेलो गाइस, सत श्री अकाल सारे नु। अरे वाह भाई, हाल चाल। सो आई एम अ स्टूडेंट हियर। कहाँ से हो आप भाई? ग्रेजुएशन, आई एम फ्रॉम तरन तारण पंजाब। अच्छा, माय नेम इज सुखमन एंड आई एम डूइंग माय अंडर ग्रेजुएशन हियर। Achha. So which is about 3 years and my fees is near about approximately 11,000 pounds for each year and maine ek saal ki fees di hui hai, rest 2 years ki bachi hui hai. To aap yahan par aaye kitni der pehle ho taran? I've been living here from two months. अच्छा, तो अभी 2 महीने हुए हैं आपको। तो 2 महीने में आप जब पंजाब से आए तो अकोमोडेशन वगैरह सब सॉर्ट आउट किया हुआ था पहले से? नो, दैट्स अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। जो भी तुम आना है तुम अपने एजेंट को नहीं कहना कि तुम मेरी अकोमोडेशन बुक करके दो, बिकॉज वो की करते हैं इतने, वो अकोमोडेशन बुक करते यूनिवर्सिटी की। तो यूनिवर्सिटी की बनाती है कि लाइक एक तुहाडा रख लेंगे एसटीमेट कि तुम 9 to 10 months तुम इतने रहोगे, विच इज़ अबाउट 600 pounds फॉर ईच मंथ। 600 जिहड़ा पाउंड लगता तुहाडा है ना पूरा एक मंथ का, इंक्लूडिंग बिल्स नो डाउट, बट जिहड़ा तुहाडा खाण पीन का खर्चा वखरा। तुसीं 800 पाउंड तक पहुँच जाते एक मंथ के। एंड इहदे विच की है, 3-4 months की पहला ही उन्होंने ले लेनी है, बाकी रेस्ट ऑफ तुसीं जे चाहुंदे आ कि मैं अपना ब्रेक करना, नो इदां दा कुछ नहीं हुंदा। तुसीं की करना कि अपना एक स्पैसीफिक जगह लभ लो, ठीक है, पोस्ट करो कुछ, किसी ने पुछो जिहड़े इत्थे आ तुहाडे वास्ते रूम लभ के रखन, 5-7 दिन उन्हां नाल आके मैनेज करो, फिर अपना रूम लभो। एंड द सैकेंड थिंग कि जॉब इतने अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा लो है। ट्राई टू गैटिंग वर्क ऑन NI बेस्ड, बट टिल नाउ आई डोंट नॉट हैव एनीथिंग इन माय हैंड। तो आपको कितने आवर्स काम करना अलाउड है? जस्ट 20 आवर्स। 20 आवर्स और हॉलीडेज में? हॉलीडेज पे फुल टाइम कर सकते हैं, लेकिन फुल टाइम अलाउ नहीं करते, बिकॉज जो यहाँ पर लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड उनको ही मिलता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं मिलता। तो आपने जैसे बोला कि आपने पहले साल की फीस पे कर दी है जो कि 11,000 pounds थी, तो अभी 2 साल की फीस बची है। आपको बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि क्या हम अपनी फीस निकाल सकते हैं काम करके? टू डिफिकल्ट थिंग बींग अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट टू प्रिपेयर फॉर योर 2 ईयर्स फीस, बिकॉज काम नहीं हैगा, ठीक है, सिंपली चीज़ की है। सैकेंडली चीज़ की है कि किसी को भी इन्ने नहीं होंगे कि कोई घरों कढ़ के लैके आए, ऑलमोस्ट सारे बच्चे लोन लैके आएंगे। हाँ जी, है ना, तुम्हें पिंड भेजना भी होंगे, थोड़ा मंथ का रेंट भी आता है। मैं 2 months लगातार काम करता हाँ, ठीक है। एंड मैंने कुकिंग का कुछ खास नहीं है, एक दिन जिस मैं उत्थे इंडक्शन ली है, मैं सारा कुछ करना आ गया। टेक अवे का काम सब तो सौखा, बट तुम्हें सीखा होना चाहिए किमें करना किमें नहीं करना। तो बच्चे क्या काम सीख कर आए, मतलब कैसे सीख कर आए कि वो टेक अवे में काम करें? वो सबवे में काम करें, डोमिनोज, टिम हॉर्टन जो फ्रेंचाइजेज इधर हैं उसमें काम करें, ताकि एक्सपीरियंस के बिहार पर उनको काम मिल जाए। ओके, द सेकेंड थिंग इज की सेल्फ प्रिपेयर्ड। ओके, ये मत सोचो कि यहाँ पर आगे हम ऐश करेंगे काम मिल जाएगा। बी प्रिपेयर्ड, रोने से अच्छा है कि अपना जो हाल है ना खुद पे खुद बना करो कि हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा। सो जो सिचुएशन आती है उससे लड़ते जाओ, तो प्लान करो और मतलब फेस करने का, हाँ, फेस करने का हिम्मत रखो, क्योंकि जब आप घर छोड़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ये सब होगा। या मेरे साथ क्या हुआ था लाइक कि मेरे को पता था मेरी रिफ्यूजल थी ऑस्ट्रेलिया से पहले, इसलिए मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। ओके, और मेरे को पता था कि सिचुएशन ऐसी हैं कि मैं पहले से प्रिपेयर था। जब मैंने फ्रॉम लास्ट मंथ अब बीइंग एन इंजर्ड बाय एक्सीडेंट ऑन 19th of March मेबी 19th of March जहाँ पर मैं टेक अवे पर काम करता था, 2 miles की दूरी पर था वो जिसको फूड डिलीवर करने जाना था, और ड्यू टू स्नो देयर इज नो एनी उबर ड्राइवर एंड ही सेड टू मी यू हैव टू प्रोवाइड देम फूड बाय गोइंग ऑन साइकिल। ओके, एंड द स्नो इज अबाउट 5 to 6 inches ऑन द रोड मार्च में। आई नो स्नोफॉल जब हुआ था बहुत बहुत बुरा हुआ था। मैंने इसको बोला भी कि नहीं पाजी है ना कि मैं नहीं जा सकता, एंड सेड टू मी यू गो और नो, मतलब जाना ही है तुझे। हाँ जाना ही है, जब अगर मैं ना जाता तो मेरे जॉब से निकाल देता, मेरे पास सेकंड ऑप्शन नहीं थी, मैं चला गया, ठीक है।
और क्या हुआ कि मेरा साइकिल स्लिप हो गया ते दैन मेरा एक्सीडेंट हो गया उत्थे। ठीक है जी, एक्सीडेंट होने तो बाद उन्हें मेरी कोई बात नहीं पूछी, ईवन तो मैं 3 कॉल्स कीतियां उन्होंने मेरी कोई कॉल नहीं पिक की। फिर उत्थे पुलिस आई, मैं दस्या नहीं कुछ, मैंने फर्स्ट एड वाले भी है कि इसी तरह कर देने हैं। ठीक है, मैं क्या कि नहीं आ मौके आ मौके हाथ विखाई जान कि हाँ शो योर हैंड, मैं क्या नहीं आ मौके गुड। फिर चले गए, दैन फिर मैं अपने घर कॉल की, घर मीनस कि जो मेरे नाल रेंदे सीगे मेरे दोस्त फ्रेंड्स। ठीक है, उन्होंने मैंने चेक के हॉस्पिटल खड़िया, हॉस्पिटल जाके मेरे स्टिचस लगे। ठीक है, फिर 20 डेज की बेड रेस्ट थी, उसके विच भी मेरे एग्जाम सीगे। कहाँ पे लगे स्टिचस? हाथ पे, यहाँ पे। और अभी मैंने रिमूव कराए आफ्टर 20 डेज, और वो देखो कि एग्जाम भी थे, रिमूव भी करवाने थे और काम भी निकालना था। मेरे पास एक जस्ट 2 पॉइंट थे जब मैं लेस्टर से यहाँ पर मूव हुआ, सॉरी डर्बी से लेस्टर मूव हुआ, 2 पॉइंट थे सिर्फ मेरे पास। जो होती है ना उसकी लिंक, स्काई लिंक बस, हाँ दो ही लगते हैं। और जब मैं आया फर्स्ट डे तो मेरे पास काम नहीं था, लाइक उधर भी नहीं कुछ नहीं, नो एनीथिंग हैपन इन माय हैंड। जब मैं गया यहाँ से एग्ज़ाम ख़त्म करके, मैंने जाता हुआ उससे पूछा कि लाइक मेरे को काम चाहिए, एक्सपीरियंस है, उन्हें मैंने काम दे दिया। और उसके बाद मैं स्टिल वहाँ पर काम कर रहा हूँ, और आज उसने फिर मेरे को काम से निकाल दिया। क्यों, किस बात के लिए? लाइक वहाँ पर थोड़ा रश था आज। ठीक है, और मैं पीछे किचन का असिस्टेंट हूँ, सो मेरा काम ही नहीं है फ्रंट पर आने का। तो वो मेरे को बोल रहा है कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि देयर आर फोर पर्सन इन द फ्रंट एंड ही वांट टू मी गो बैक एट योर होम, बिकॉज उसको मेरी वेजेस पर देनी थी आज की, जस्ट बिकॉज ऑफ इट। यूनिवर्सिटी वो लेकर आओ जिसकी क्लासेस जस्ट 2 डेज और 3 डेज। I've been in my class in the last term 5 days and now there is a 4 days. We start from 11 PM, sometimes 5, sometimes 9 to 5. तो पूरा दिन जाता है। पूरा दिन जाता है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज में क्लासेस सिर्फ 2-3 दिन होती है, तो आप काम ज्यादा कर सकते हो। काम ज्यादा कर सकते और हो। थोड़ा पढ़ाई का लोड कम होता है। And the second thing is कि लेस्टर में काम नहीं है। लेस्टर, डर्बी, बर्मिंगम इज टू हार्ड टू फाइंड एनी जॉब। ऐसा क्यों है वैसे? आपको क्यों लगता है ऐसा? बिकॉज़ कि जो बर्मिंगम है वो काफी डेवलप में आता है और काम उधर निकल जाता है, लाइक कि काम होता ही नहीं, ऑप्शंस कम हो जाते हैं। जनवरी ड्रॉप में कोई भी बच्चा मरता है, क्योंकि जनवरी ड्रॉप में जब आप आते हो तो आपको जो होते हैं ना हॉलीडेज होती हैं उस कम कर दी जाती है। लाइक आई बीन कमिंग जनवरी मंथ एंड माय सेमेस्टर फुल 1 ईयर इज कम्प्लीटेड इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर मे बी। सो मेरी 1 साल की फीस यहाँ पर खत्म हो जाएगी, मेरे को टाइम पीरियड नहीं बचेगा मेरे को अगली फीस फिल पे करने का। तो आपकी पर्सनल रिकमेंडेशन क्या है, जो बैचलर्स करना आना चाहते हैं आए या ना आए? तो ऐसा मत सोचो कि लाइक हमको जस्ट वीजा ही चाहिए। ठीक है, कि यहाँ पर कुछ भी आपके पास बना नहीं है, आपको खुद बनाना है। सो ये मत सोचो कि हमको वीजा चाहिए, लाइक मैंने बहुत जल्दबाजी की एंड इंग्लैंड में मास्टर्स आने के लिए जो मास्टर्स से आता है तो ठीक है, लेकिन जो प्री मास्टर्स पर आता है वो मत आओ, जिसको प्री मास्टर्स मिलती है वो मत आओ, क्योंकि 15 लाख उसकी फीस है। अगेन आपको मास्टर्स में भेजते हैं 6 to 7 months एंड there will be maybe 6 to 7 lakh again. तो मतलब बहुत ज्यादा फीस हो जाती है। और बैचलर्स में भी यही पंगा है आप जो कह रहे हो, मतलब आओ बट आपको फिर या तो आपके पास फीस देने के लिए ऑप्शंस हो या फिर आपको फिर काम करके निकालना है तो मुश्किल हो जाता है। काम करके तो ये सोचो कि कुछ नहीं निकल सकता, नो एनीथिंग। मैंने दो मंथ उस वहाँ पर काम किया। ठीक है, मेरे 590 पाउंड का घोटाला हुआ, 590 पाउंड थिंक, वेल 60,000। बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ यार, मैं हर कोई डिफरेंट ओपिनियन देता है। तो भाई मिला और अभी 2 ही महीने हुए हैं। और कुछ आप जो बोल रहे थे जैसे बच्चे आना चाहते हैं, लड़के लड़कियाँ, कुछ स्किल्स अगर वो आना चाहें जो मेक श्योर करें कि उनको ये चीज़ें आती हों या इनके बारे में थोड़ा सा बताओ तो हेल्प मिले उनको। स्किल्स यही है कि टेक अवे का काम आना चाहिए, मतलब कुक हो, हाँ। थोड़ी कुकिंग आनी चाहिए, फ्रंट में लोगों से मतलब आपकी थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश यू हैव टू मस्ट फ्लुएंट इन इंग्लिश, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि मैं इंग्लिश में इतना अच्छा, मेरे को जॉब नहीं मिल रही किसी भी लाइक स्पेसिफिक कंपनी में। जो लोग बोलते हैं ना आके यहाँ पर होम केयर में काम मिल जाता है, ये है वो है, आई बीन ट्राइंग नियर अबाउट मोर देन 30। चल भाई, आई एम श्योर आपको काम मिलेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स आपने प्लान किया हुआ है। और आपने शुरू में जैसे बोला कि आपको मेंटली प्रिपेयर होके आना है, किसी को मैं हमेशा ये बोलता हूँ सी फॉलो योर हार्ट, कहीं भी कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं है, कहीं से भी आप
देख रहे हो, बहुत सारे बच्चे देखते हैं इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, पाकिस्तान से, और ये जर्नी है, एक लाइव एग्जांपल है आपके सामने। तो अच्छी बातों से मोटिवेट हो, और कुछ बातें जो भाई ने बताई हैं उनसे आप बेटर प्लानिंग कर सकते हो जहाँ भी जाने की आप सोच रहे हो। तो भाई जर्नी का थोड़ा सा भी डिस्क्रिप्शन आपने जो दिया है, आई एम श्योर बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी। जाते हो आप पंजाब को कुछ बोल दो, इंडिया को कुछ बोल दो, बच्चों को कुछ बोल दो यार। आप अपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट करो फर्स्टली यहाँ पर आके। सबसे पहला काम कि डॉक्यूमेंटेशन अपनी कंप्लीट होनी चाहिए, लाइक योर NI, योर बैंक स्टेटमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एंड जे अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में आना चाहता है, यूनिवर्सिटी में क्या है, 3 इंटरव्यूज होती हैं, तीनों बहुत हार्ड होती हैं, सिंपल फोन कॉल आती है। फर्स्ट इज योर, द थर्ड वन इज़ अबाउट योर कैस्ट लेटर, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अगर कहीं ऐसे होते हैं कि लाइक 5.5 पे वीज़ा आ जाता है, 5 पे आ जाता है, विदाउट आ जाता है, सो that's not a good thing to become here without English, because English is must. English is must here. Okay. Yeah, must be fluent. Try to speak at home or anywhere to be fluent. So मतलब घर से when you are in India तभी वहीं से practice शुरू करो। वहीं से। आपने इतनी सारी बातें बताई हैं, मतलब टू बी ऑनेस्ट ये इतने कम टाइम में इतना कुछ बताना, बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिलेगी। जाते हो और कुछ आप बोलना चाहोगे भाई? आई थिंक दैट कि तुसी जे वाकई सोचा है कि तुसी इंग्लैंड आना वा, तुसी की करो कि लाइक मास्टर्स वास्ते जरूर आओ, बट बैचलर्स वास्ते ना आओ। एंड सेकंड थिंग कि कई बच्चे सोचते इतों लाइक कि असी मूव ऑन हो जाएंगे, वो भी चीज़ सौखी नहीं है, ठीक है। मूव ऑन होना भी बहुत ज़्यादा औखा, असी भी सोचा होगा पहला, बट इतों मूव ऑन होना बहुत औखा। सो तुसी की करो कि अपने बजट्स नाल लैके आओ, कम से कम भी तुहाडे कोल इत्थे 1,000 pound होना चाहिए तुसी इंडिया तो आउंदे हो, बट इन्ना कि तुसी खर्चना भी इन्हें सोच समझ के आ, लाइक ये नहीं है। एंड बी प्रिपेयर्ड, होपफुली गुड लक फॉर योर फ्यूचर, बट ट्राई टू बी डू गुड एंड एंजॉय योर लाइफ एंड टू हैव लाइफ गोल्स एंड टू प्रिपेयर इट। सो थैंक यू सो मच। इस मेरी छोटी जी जर्नी, बट डिफिकल्टीज बहुत आनियाँ ने, बाकी कोई ना बंदा लड़के शेर होंदा है। सो भाई पार्ट ऑफ लाइफ है, लाइफ इज अ रोलर कोस्टर राइड, अप एंड डाउन आर पार्ट ऑफ लाइफ, बट बिकम अ कांस्टेंट is art of life. जो मैं कर रहा हूँ बैठा बैठा सोच के। भाई भाई I wish you all the best. Thank you. I'm sure you will fly high, you will be successful. और yeah. बच्चों को बहुत help मिलेगी। Guys, this is reality, this is not a vlog, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ। कुछ भी questions हो please comment करो YouTube पे और मेरे Instagram पे message करो Addyboy। मैं try करता रहूँगा ऐसे ही भाइयों से मिलता रहूँ और आपको reality दिखाता रहूँ। Make sure अपने goals को, अपने dreams को follow करो, but plan करो और सब कुछ सीखो दूसरों की गलतियों से, हमारी गलतियों से और इन वीडियोस से। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। बाय गाइस। बाय।